आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड व्हीकल्स के बारे में। तो सॉलिड व्हीकल से के बारे में तो हम लोग शुगर ऑफ मिल्क के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक सॉलिड व्हीकल है। फिर हम धीरे धीरे आगे जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग दूसरे सॉलिड व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं शुगर ऑफ मिल्क के बारे में, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जो एग्ज़ाम में अगर आई तो आप लोग लिख सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हो, और ओवरऑल क्या होता है एक शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है, उसका बेसिक्स पॉइंट्स क्या होता है। तो पहली बात तो शुगर ऑफ मिल्क कैसा दिखता है वो देख लेते हैं। तो शुगर ऑफ मिल्क देखिए ऐसा दिखता है, ये जो वाइट 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 एक है, ठीक है, वाइट कलर का ऐसा पाउडर जैसा दिखेगा शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है। तो हम लोग देख ली कि शुगर ऑफ मिल्क दिखता कैसा है। अब बात करते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स क्या होता है शुगर ऑफ मिल्क का, तो हम लोग जान रहे हैं कि शुगर ऑफ मिल्क यानी कि हम लोग खुद पता चल रहा है कि वो एक मिल्क से आएगा। तो किसके मिल्क से आएगा वो, या तो वो गोट के मिल्क से आएगा, या तो काऊ के मिल्क से आएगा, या तो बफेलो के मिल्क से आएगा। तो ये हो जाता है शुगर ऑफ मिल्क। ओके, मोस्टली हम लोग गोट मिल्क प्रेफर करते हैं क्योंकि हार्ड क्रिस्टलाइन होता है, हो जाता है, बन जाता है लास्ट में शुगर ऑफ मिल्क, इसलिए मोस्टली हम लोग गोट मिल्क ये करते हैं, हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो सोर्स हम लोग देख लिए, उसके बाद कलर देखते हैं। तो कलर क्या हुआ, मिल्की वाइट हुआ, ऑब्वियसली मिल्क से बन रहा है तो ये मिल्की वाइट हो जाएगा कलर इसका, ठीक है। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, दैट इज शेप। शेप क्या होता है, वो हार्ड क्रिस्टलाइन होता है, हार्ड क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में वो रहता है, हार्ड क्रिस्टलाइन। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका शेप। टेस्ट क्या होगा इसका, इसका फेंटली स्वीट इन टेस्ट होगा, ठीक है। अदर व्हीकल्स भी हैं वो भी स्वीट होंगे टेस्ट में, लेकिन ये जो है वो फेंटली स्वीट इन टेस्ट होगा, ठीक है। स्वीट और फेंटली स्वीट में बहुत अंतर होता है, ये फेंटली स्वीट है, थोड़ा सा कम स्वीट है, तो फेंटली स्वीट इन टेस्ट हो जाएगा। अब इसमें इसका स्मेल क्या होगा, ये एक ओडरलेस होगा, इसका कोई स्मेल नहीं होगा। अब 6 पॉइंट पे आते हैं, कंसिस्टेंसी कैसा रहेगा इसका। तो कंसिस्टेंसी सैंडी ग्रिटी फीलिंग आएगा, सैंडी ग्रिटी मतलब बालू जैसा, हल्का हल्का छूने पे कैसा लगता है बालू, वैसा ही ऐसा हल्का हल्का सैंडी ग्रिटी फीलिंग आएगा, कंसिस्टेंसी वही होगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ हो गई इसकी, ट्रैचुरेशन में और डिस्पेंसिंग में। ट्रैचुरेशन हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे कि ट्रैचुरेशन प्रोसेस क्या होता है, बस इतना समझ लीजिए कि ट्रैचुरेशन प्रोसेस जो होता है वो पोटेंटाइजेशन के लिए यूज़ होता है, मेडिसिंस का जो लेटेंट क्यूरेटिव पावर है उसको ऊपर लाने के लिए होता है, उसको बाहर लाने के लिए होता है। डिस्पेंसिंग मतलब कि हम लोग मेडिसिंस कैसे सर्व करते हैं, हम लोग को अगर किसी को मेडिसिंस देना है तो ये एक एज अ व्हीकल काम आता है डिस्पेंस करने में। इसमें हम लोग मेडिसिन डाल के और देते हैं सैकलेक फॉर्म में और खिलाया जाता है, ये शुगर ऑफ मिल्क। तो डिस्पेंसिंग में काम आता है और ट्रैचुरेशन प्रोसेस में काम आता है। 1 पार्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस लेते हैं और 9 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क लेते हैं, 1 आवर का ट्रैचुरेशन प्रोसेस होता है। ये कभी बाद में बताया, बस इतने थे 7 बेसिक्स पॉइंट याद कर लीजिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके फीचर जो ये हैं, और अगर एग्ज़ाम में है तो इतना लिखने के बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन होगी। सो थैंक यू, एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल नाउ।